वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को गुजरे हुए 2 साल होने को जा रहे हैं। साल 2020 में 30 अप्रैल के दिन ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी यानी कि दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर खुद को बखूबी संभालती हुई देखी गई हैं। वहीं साथ ही साथ उनके दोनों बच्चों ने भी उन्हें काफी संभाला है। इसी दौरान देखने को मिला है कि नीतू कपूर ऋषि कपूर के सपनों को पूरा करती हुई भी दिखाई दी हैं। वेल, आपको बताना चाहेंगे कि नीतू कपूर ने अपने फैंस को एक बेहद शानदार सरप्राइज दे दिया है। 63 ईयर्स की हो चुकी है नीतू, लेकिन आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। फैंस को एंटरटेन करने में अब भी वह कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। नीतू कपूर के फैंस के लिए गुड न्यूज आ चुकी है कि जो नीतू कपूर आप सभी को फिल्मी पर्दे पर नजर आई, कई टीवी रियलिटी शोज में बतौर स्पेशल गेस्ट जज बनकर पहुंची, लेकिन अब नीतू कपूर आपको जज के तौर पर नजर आएंगी। जी हाँ, सही सुना आपने। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें, नीतू कपूर अपकमिंग रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर को जज करती हुई दिखाई देंगी। कलर्स चैनल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रोमो वीडियो शेयर कर दिया है और इस प्रोमो वीडियो में नजर आई हैं नीतू कपूर और नोरा फतेही। तो वहीं कोरियोग्राफर मर्जी, तीनों ही जजेस एक दूसरे के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए हैं और यहां पर बच्चों के साथ बेहद शानदार अंदाज में डांस करते हुए देखे गए हैं। नीतू कपूर की धमाकेदार एंट्री दिखाई गई है। नीतू कपूर अपने बेटे रणवीर कपूर के पॉपुलर सॉन्ग बचना ए हसीनों पर डांस करती हुई नजर आई है, लेकिन इसके बाद वह बदतमीज दिल पर मर्जी के साथ डांस करती हुई देखी गई है। वेल, नीतू कपूर अब इस रियलिटी शो के जरिए आप सभी को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन एमएक्स प्लेयर पर 31 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज से।